तेरा नाम पुकारा है राधा, अब बस, अब इस पीड़ा को सहने में अधिक कष्ट नहीं होगा। से दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूं अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। मैंने क्या कर दिया? मैं जिसे प्रसन्न करना चाहता था उसी पे प्रहार कर दिया, उससे घोर अपराध हो गया। प्रभु, आपके कोमल चरणों को उस पर मृग का पंख समझकर मैंने बाण चढ़ा दिया। तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। प्रभु, इस अपराध के लिए मृत्यु दंड ही उचित है। मेरे जीवन का अंत ही अब मेरा पश्चाताप सकता है। प्रभु, मुझे मृत्यु दे दो। प्रभु, मृत्यु दे दो। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जरा, अभी तो तुमने तो अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया है, वो उद्देश्य जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे, अत्यंत शक्तिशाली। और मैं था राजा दशरथ का पुत्र, अयोध्या का राजकुमार राम। और तब मैंने पेड़ के पीछे छिपकर तुम पर बाण संधान किया था। इसी प्रकार तुम्हारा वध हुआ था जरा, और इसलिए तब मृत्यु से पूर्व मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि अगले जन्म में मैं केवल तुम्हारे संधान किए हुए बाण से ही अपने प्राण त्यागूंगा। कोई अपराध नहीं किया तुमने, तुमने तो मेरी इस जीवन का सारा भार, सारा बोझ हटा दिया। तुम तो मुझे एक मूल्यवान उपहार देना चाहते थे ना, इससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है जरा। मेरी इस कथा में तुमने अपनी भूमिका श्रेष्ठ रूप से निभाई है। अब अपना मन छोटा मत करो, चले जाओ यहाँ से जरा। मेरे जीवन के कुछ अंतिम अध्याय शेष हैं, उन्हें पूर्ण करना चाहता हूँ मैं।
जानता है। आपने सदैव मुझे एक पुत्र की भांति प्रेम दिया है। ये पुत्र आपसे पुनः एक बार क्षमा मांगता है। आज मुझे आभास हो रहा है उस असहनीय पीड़ा का जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात आपको भोगनी पड़ी, आज मैं समझ सकता हूं। जी लक्ष्मण, आप दोनों को इसी क्षण तारुक के साथ जाना होगा। यही इस समय सर्वश्रेष्ठ और आवश्यक भी। मेरा बल बनने के लिए मेरे प्रिय बलराम दत्त, धन्यवाद। मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए रुक्मिणी, जीवन की यात्रा और लक्ष्य दोनों आप ही हैं श्री कृष्ण। मेरा ये अंतिम विश्वास भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। छोड़ना साथ अपनों का कोई ना चाहे, विरह की ये पीड़ा सही ना जाए। तो कुछ ऐसे कृष्ण के जीवन के प्रत्येक अध्याय का अंत हुआ। विरहा के बिना कैसे संजो, तो अब ना चाहते भी साथ मेरे देह त्यागने का और तुम्हारे आने का समय आ गया है कलयुग।